नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बजट में बेरोजगारों के लिए वित्त मंत्री ने खोला नौकरियों का पिटारा। राज्य के विश्वविद्यालयों की 57 योजनाओं को मिली हरी झंडी। बिहार के अमरजीत चैकर से मुंबई में मिले सोनू सूद। आज से बदल सकते हैं आपके जीवन से जुड़े ये नियम। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच आज। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बजट में बेरोजगारों के लिए वित्त मंत्री ने खोला नौकरियों का पिटारा। बीते दिन बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा रोजगार की महत्व के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारे द्वारा राज्य में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बंपर बहाली का ऐलान करते हुए कहा कि बीपीएससी में 49,000 पद और एसएससी में 2900 पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा इस बार बजट में 63,900 पदों पर बहाली का प्रावधान है। वहीं पुलिस विभाग में 75,543 पद की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रधान शिक्षक की बहाली 40,506 पद पर की जाएगी। सातवें चरण के लिए 44,193 माध्यमिक और 89,724 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार बजट ने बनाया रिकॉर्ड। वित्त मंत्री ने की ये बड़ी घोषणाएं। बीते दिन महागठबंधन सरकार का पहला बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 2023-24 के लिए 2,61,885.04 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि खुद में एक रिकॉर्ड है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन के बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के रूप में अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि के बदले 25,000 रुपए देगी। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करती हैं और इसके प्रारंभिक परीक्षा को पास कर जाती हैं, तो उन्हें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए सरकार की ओर से क्रमशः 1,50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। सरकार की ओर से राज्य में जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही सिंचाई व्यवस्था का भी विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में नारी शक्ति के लिए 60 करोड़ रुपए, साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, 10वीं पास छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 94 करोड़, बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़ और मदरसे के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बिहारी बौद्धरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार का जन्म आज ही के दिन 1951 में हुआ था। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बिहार में मुख्यमंत्री रहने के अलावा केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक सदस्य हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के लिए कई योजनाएं बनाई जो कि आम जनता के लिए लाभकारी रही है, जिसमें गांवों तक बिजली पहुंचाना, हर घर तक नल जल पहुंचाना, सड़कों को पक्का करना, छात्राओं को साइकिल देकर उन्हें स्कूल तक पहुंचाना। इतना ही नहीं, अपराधियों पर इन्होंने नकेल कसा। साल 2014 के आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण इन्होंने 17 मई 2014 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि राजनीतिक संकट जैसे हालात होने के बाद 2015 में वे एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि नवंबर 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद सीएम की कुर्सी पर विजय बिहार के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की हम कामना करते हैं। आज से बदल सकते हैं आपके जीवन से जुड़े ये नियम। आज से आपके जीवन से जुड़े कुछ नियम बदल सकते हैं। बता दें कि आज से इस फाइनेंशियल मंथ में एलपीजी सिलेंडर के दाम में गिरावट, कई बैंकों द्वारा अपने ब्याज के दरों में इजाफा करने की संभावना, सोशल मीडिया के नियमों में कुछ बदलाव और कई ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव की संभावना जताई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से बैंक लोन महंगा हो सकता है और साथ ही एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में भी त्योहार को देखते हुए बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज से हजारों पैसेंजर ट्रेनों और 5,000 मालगाड़ियों के टाइम टेबल में बदलाव हो सकते हैं। वहीं इस महीने 12 दिन होली और नवरात्रि समेत बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा आज से सोशल मीडिया से जुड़े नियमों में जो बदलाव किया गया है, उसमें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत के नए नियमों का पालन करना होगा। बता दें कि नया नियम धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट पर लागू होगा।
राज्य के विश्वविद्यालयों की 57 योजनाओं को मिली हरी झंडी। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कराने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए की योजना पर काम शुरू की जा रही है। बता दें कि इसके तहत राज्य के 38 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की 57 योजनाओं को राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है और साथ ही तत्काल अनुदान के रूप में 25 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी गई है, जिससे फिलहाल राज्य के 14 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मालूम हो कि इस योजना के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय में बहुउद्देशीय हॉल, सेमिनार हॉल, परीक्षा भवन हॉल, विज्ञान ब्लॉक समेत कई चीजों का निर्माण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कॉलेजों की लिस्ट में IIM बोधगया भी शामिल है। बिहार के अमरजीत चैकर से मुंबई में मिले सोनू सूद। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर बिहार के एक लड़के अमरजीत जैकर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें वे गाना गाते नजर आ रहे थे। वहीं उनके इस वीडियो पर कई हस्तियों के द्वारा कमेंट किया गया था, जिसमें एक बॉलीवुड स्टार सोनू सूद भी शामिल थे। उन्होंने कमेंट करते हुए अमरजीत जैकर को अपनी फिल्म में गाना गाने का ऑफर दिया था। वहीं अब अमरजीत जैकर और सोनू सूद की मुलाकात हो गई है। दरअसल इस बात की जानकारी अमरजीत जैकर के द्वारा ट्विटर पर एक तस्वीर ट्वीट कर दी गई है और साथ ही एक कैप्शन भी लिखा गया है, जिसे सोनू सूद ने रीट्वीट भी किया है। अमरजीत जैकर ने लिखा है, पूरे भारत में जिनकी वजह से मेरी थोड़ी सी पहचान बनी है वो वजह आप ही तो है सोनू सर। वहीं इसके जवाब में सोनू सूद ने लिखा है कि बिहार का नाम ऊंचा करेगा भाई। बिहार के सुगर और बीपी के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। बहुत जल्दी बिहार के सुगर और बीपी के मरीजों को दवाओं की महंगी कीमतों से राहत मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार नियामक NPPA के द्वारा 21 फरवरी को हुई प्राधिकरण की 109वीं बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर औषधि आदेश 2013 के तहत मधुमेह, उच्च रक्तचाप के इलाज की दवाओं समेत कुल 74 दवाओं का खुदरा मूल्य तय किया गया है, जिससे दुकानदार अब ये सभी दवाइयां अपनी मनमाने दामों में नहीं बेच पाएंगे। मालूम हो कि सूचना के अनुसार डेपागिल्फ्लोजिन, सिटागिल्पिटिन और मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक टैबलेट की। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे सुंदरनाथ सुंदरी मठ के बारे में। सुंदरनाथ सुंदरी मठ में नेपाल की सीमा के पास भारतीय राज्य बिहार के कुर्साकांटा अररिया में स्थित भगवान शिव का एक मंदिर है। यहां दक्षिण नेपाल और उत्तर बिहार के लोग हिंदू भगवान शिव की पूजा करते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को हजारों भक्त इस स्थान पर आते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। बता दें कि मकर मेला हर साल मकर संक्रांति के पहले रविवार से शुरू होकर महीने के अगले चौथे या पांचवें रविवार तक चलता है। धारी व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण है। यह महाशिवरात्रि से शुरू होता है और यह 15 से 20 दिनों तक चलता है। भारत और नेपाल से भी हजारों श्रद्धालु इस स्थान के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर को भव्यता व आकर्षक बनाने के लिए विकास कार्य प्रगति पर है। बजट में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर दिया गया जोर। बिहार के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी सुविधा मुहैया कराई जा सके, इसके लिए बीते दिन के बजट सत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पर खूब जोर दिया गया है। बता दें कि वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा बजट पेश करते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास ध्यान दिया गया है। मालूम हो कि बजट में PMCH के विस्तार के लिए 5,540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अब राज्य के 21 सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। इसके अलावा इस बजट में यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य में गांव में टेली मेडिसिन की भी सुविधा शुरू की जाएगी और साथ ही बिहार के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया जाएगा। बिहार के अलग अलग जिलों में सड़क पर सेविका सहायिका ने किया प्रदर्शन। बीते दिन बिहार के अलग अलग जिलों के साथ मोतिहारी में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी सेविका और सेविकाओं के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया और सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया गया। बता दें कि इस दौरान सैकड़ों आंगनवाड़ी सेविका और सेविकाओं के द्वारा जेल भरो अभियान के तहत अपनी गिरफ्तारी भी दी गई है। दरअसल इन आंगनवाड़ी सेविका और सेविकाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा इन्हें धोखा दिया गया। उन्होंने कहा था कि वे वेतन में बढ़ोतरी करेंगे और इसका आश्वासन भी दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से उन्हें यह आंदोलन करना पड़ रहा है। मालूम हो कि आंगनवाड़ी सेविका और सेविकाओं का कहना है कि उन्हें दिन रात काम करने के बाद मात्र 5,950 रुपए मिलते हैं, जिससे उनके लिए परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले 15 मार्च को हम पटना में भी रैली करेंगे।
बिहार में बदलाव के दौर से गुजर रहा मौसम। बिहार में मौसम लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां दिन में गर्मी का एहसास होता है, तो वहीं सुबह के वक्त थोड़ी ठंडी का एहसास होता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में बदलाव और शुष्क वातावरण की स्थिति बनी रहेगी। होली के दौरान भी सुबह शाम शुष्क वातावरण रहेगा, खासतौर से रात और सुबह के समय तो हल्की ठंड का असर अभी भी बना ही है। हालांकि दिन में जिस तरह से ज्यादातर जिलों में तापमान ऊपर जा रहा है, उससे यह लग रहा है कि गर्मी ने दस्तक दे दी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सूबे में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में धूप होगी, लेकिन रात में ठंडी हवा से तापमान में गिरावट नजर आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम पूरी तरह से सामान्य बना रहेगा। इस दिन होगा नवीन परिवहन का उद्घाटन। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में तैयार किए गए परिवहन परिसर का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। बता दें कि इसका उद्घाटन 20 मार्च को किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से समय भी मांगा गया है, यानी कि 20 मार्च से पटना वासियों को एक ही छत के नीचे DL परमिट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा, RC कार्ड समेत अन्य परिवहन संबंधी सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परिसर का निर्माण फुलवारी शरीफ जेल के बगल में किया गया है, जो बेली रोड और फुलवारी शरीफ NH के पास है। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल इस परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वह इस परिसर को भवन निर्माण विभाग के द्वारा 2 सप्ताह के अंदर परिवहन विभाग को सौंप दिया जाएगा। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राबड़ी देवी का बयान। बीते सोमवार को दिल्ली के एक अदालत के विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के द्वारा जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले को लेकर लालू राबड़ी समेत अन्य 14 लोगों के खिलाफ समन तलब कर इन सभी आरोपितों को 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। जिसके बाद बीते दिन बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे परिवार के खिलाफ मोदी सरकार के बोलने पर इसलिए समन जारी किया गया है क्योंकि वो लोग बिहार में लालू से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को बस फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के मामले को लेकर हमारे परिवार को पिछले 30 सालों से परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं और जैसे अभी झेल रहे हैं वैसे ही आगे भी झेलेंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि मोदी सरकार हमें बांधना चाहती है, लेकिन हम बंधने और डरने वालों से नहीं है। विधानसभा में विजय सिन्हा ने लगाया तेजस्वी यादव पर निशाना। मंगलवार यानी कि बीते दिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने हमेशा दो नावों की सवारी की बात सुनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव तो एक साथ 5 नावों की सवारी पर है। उन्होंने कहा कि क्या आपके दल में कोई अन्य लोग योग्य नहीं है जो विभागों को संभाल सके और 5 नावों की सवारी करने को आप मजबूर न हो। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्थिति पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि पुरानी सरकार में भाजपा के पास जो विभाग था वहां किसी भी प्रकार की अनियमितता हुई थी, तो तेजस्वी यादव इसकी जांच कर ले। वहीं विजय सिन्हा के इस बात पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जब 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी और फिर NDA की सरकार आई थी, तो क्या उन्होंने विभागों की जांच करवाई थी? अगर करवाई होती तो उन्हें मालूम होता कि हम लोग अनियमितता नहीं करते। उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा को लेकर जल संसाधन मंत्री का बयान। बीते दिन से उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत हो गई है। वहीं इनकी इस यात्रा को लेकर बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री जयंत राज ने बेतिया सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बराबर पार्टी में आते हैं और बराबर पार्टी से चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक उपेंद्र कुशवाहा ने अपने जीवन में 9 बार चुनाव लड़ा है, लेकिन उन्हें इन चुनावों में जीत सिर्फ 2 बार मिली है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अब उन्हें लोगों के पास चले गए हैं और उन्हें मिल है जो सम्राट अशोक की बुराई करते थे। उनकी वजह से पहले भी हम लोगों को चुनाव में नुकसान पहुंचा है, लेकिन आज जब वह पार्टी छोड़कर गए हैं तो उनके साथ जाने वालों में वे सभी लोग शामिल नहीं है जो उनके साथ आए थे। उपेंद्र कुशवाहा का अपना कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए JDU के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तो उनकी इस यात्रा से हमारा कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। उनकी इस यात्रा का कोई मतलब ही नहीं बनता है। नमन यात्रा में उपेंद्र कुशवाहा ने CM नीतीश पर जमकर साधा निशाना। बीते दिन राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा अपने विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फूल माला पहनाकर की। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने यह प्रतिज्ञा कर लिया है कि वे बिहार को 15 वर्ष पुराना बिहार बनाकर ही छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल
कानून बनाते हैं, जैसे उन्होंने शराबबंदी कानून बनाया लेकिन वह धरातल पर नहीं उतर पाई। उनका सिस्टम में नल जल के जैसा छेद है, जैसे टंकी में पानी रहते हुए भी पानी नल तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि रास्ते के पाइप में छेद होती है। ठीक वैसे ही नीतीश कुमार ने कानून तो बना दिया लेकिन उसका लाभ प्रशासन उठा रहे हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव बापू के आश्रम में आकर कसम खाए थे लेकिन अब तक उन्होंने उस कसम को पूरा नहीं किया है। महागठबंधन के बजट पर सम्राट चौधरी की तीखी प्रतिक्रिया। बीते दिन बिहार बजट 2023-24 जारी किया गया, जिस पर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन और डम्पोर संख्यी घोषणाओं से भरा हुआ है। बजट में गांव, गरीब और बेरोजगारों की घोर उपेक्षा की गई है और यह बजट बेरोजगारों की आशाओं और उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में किसान, गरीब, गांव और मजदूरों के लिए कोई भी प्रभावकारी योजना नहीं दिख रही है। वहीं युवाओं को एक बार फिर से 10 लाख रोजगार का झुंझुना पकड़ा दिया गया है। बजट एक बार फिर सरकार की निर्भरता, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी और कर्जों की उगाही जाने वाली राशि पर टिका है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी घोषणाएं बजट में की गई है वह बस मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए की गई है। इस बजट से यह तो स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता विकास नहीं है। सुधाकर सिंह ने अपनी ही सरकार के बजट को लेकर कही ये बात। राजद विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के द्वारा अपनी ही सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर बजट को जीरो नंबर दिया है। दरअसल उन्होंने बजट को किसान विरोधी और निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है, कृषि को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं दिखाई गई है इस बजट में। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन सरकार के द्वारा पेश की गई यह बजट जीरो बजट है। किसानों को जो इस बजट से उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि यह बजट घोषणा पत्र के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि आने वाले समय में सरकार कृषि से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा करे क्योंकि हमारे राज्य का 75% आबादी कृषि पर आश्रित है लेकिन कृषि क्षेत्र को लेकर ही कोई बजट में कुछ पेश नहीं किया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बताया रामचरितमानस को कचरा। कुछ महीनों पहले ही बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर विवादित भरा बयान दिया गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर उन्होंने रामचरितमानस पर अपनी टिप्पणी दे दी है। बता दें कि बीते दिन प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा उन लोगों को चुनौती दी गई है जो रामचरितमानस पर ज्ञान देते हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर ज्ञान बांटने वालों को मैं चुनौती देता हूं कि वह इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएं। मैं इस बात पर बहस के लिए बिल्कुल तैयार हूं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में जो कचरा है उसे हटाया जाए। पहले तो केवल रामचरितमानस के एक पंक्ति पर मैंने सवाल उठाया था लेकिन अब दर्जनों पंक्तियों पर सवाल उठाऊंगा। इसमें ऐसे हजारों श्लोक है जिसमें गड़बड़ियां हैं, इन सभी गड़बड़ियों को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर अपमानित करना बंद करो। वहीं इनके इस बयान पर जेडीयू विधायक ने करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं डॉक्टर हूं और मैं बता रहा हूं कि शिक्षा मंत्री मेंटली डिसऑर्डर हो चुके हैं। धर्मग्रंथ को लेकर बेतुका बयान देने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर किसी बीमारी का शिकार है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच आज। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का तीसरा टेस्ट मैच आज यानी कि 1 मार्च को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी अहम है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मैच को जीतकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर वापसी करना चाहेगी। शुरुआती दोनों टेस्ट मैचों में मेहमान टीम को हार का सामना करना पड़ा और वो 2-0 से पिछड़ रही है। भारतीय टीम अगर इस टेस्ट को जीत लेती है तो सीरीज पर भी कब्जा होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल का भी टिकट मिलेगा। ऐसे में दोनों टीम अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरना चाहेगी। भारतीय टीम की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ओपनिंग जोड़ी को लेकर जवाब दिया। उनके बयान से तो यही लग रहा है कि केएल राहुल को एक मौका और दिया जा सकता है। हाँ, अगर तीसरे टेस्ट में भी वो फेल होते हैं तो उनका पत्ता कट सकता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जी ने 1928 में प्रकाश के विवर्तन का अपना शोध दुनिया के सामने पेश किया था। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2009 में चावला को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की घोषणा की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1 मार्च 2010 को अपनी सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि की। इसके साथ ही विज्ञान, तकनीकी और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में 10 हस्ताक्षर किए। भारत ने 1 मार्च 2010 के दिन
हॉकी विश्व कप के पहले मैच में पाकिस्तान को हार की धूल चटाई। भारत ने पाक को इस मैच में 4-1 से हराया। 1 मार्च 1930 में भारत के मशहूर उद्योगपति राम प्रसाद गोयनका का जन्म हुआ था। 1983 में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला मुक्केबाजी के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला बॉक्सर MC मैरी कॉम जी का जन्म हुआ था। 1951 में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी का जन्म हुआ था। बालखंड में आज हम बात करेंगे SBI योनो खाता के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे SBI योनो खाता के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक नकली संदेश प्रतिरूपण कर रहा है। @theofficialSBI दावा करता है कि प्राप्तकर्ता का योनो खाता अवरुद्ध कर दिया गया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि अपना बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए कहने वाले ईमेल SMS का कभी भी जवाब न दे। यदि आपको ऐसा कोई संदेश प्राप्त होता है तो उसे तुरंत report.phishing@sbi.co.in पर रिपोर्ट करें। UIDAI ने आधार में जोड़ा एक और सेफ्टी फीचर। भारतीय विशिष्ट पहचान यानी कि UIDAI के द्वारा आधार के फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एक नया सुरक्षा तंत्र विकसित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित नया सुरक्षा तंत्र अब कैप्चर किए गए फिंगरप्रिंट की वैधता की जाँच करने के लिए फिंगर म्यूनिशिया और फिंगर इमेज जैसे टूल का एक साथ उपयोग कर रहा है। UIDAI ने एक बयान में कहा है कि फिंगरप्रिंट आधारित आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नए सुरक्षा तंत्र की शुरुआत की जा रही है। UIDAI ने कहा है कि आधार प्रमाणीकरण लेन देन को और भी मजबूत और सुरक्षित बना रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नया टू फैक्टर लेयर ऑथेंटिकेशन फिंगरप्रिंट की वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिए एड ऑन फीचर जोड़ रहा है, ताकि धोखाधड़ी की आशंका को और कम किया जा सके। लगातार 8वें दिन गिरकर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बता दें कि बीते दिन का कारोबार खत्म होने पर BSE सेंसेक्स 326 अंकों की गिरावट के साथ 59,000 के नीचे 58,962 अंकों पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 89 अंकों की गिरावट के साथ 17,303 अंकों पर बंद हुआ। बीते दिन जो शेयर गिरावट के साथ बंद हुए उसमें IT, फार्मा, FMCG, मेटल्स, एनर्जी, बैंकिंग, हेल्थ केयर और ऑयल एंड गैस सेक्टर रहे। वहीं जिन शेयरों में तेजी देखी गई और तेजी के साथ ही बंद हुए उनमें ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मीडिया जैसे सेक्टर शामिल रहे। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी तेजी के साथ बंद हुए। विज्ञान दिवस पर 38 जिलों के 1000 बच्चों ने बनाया मानव श्रृंखला। बीते दिन यानी कि मंगलवार को विज्ञान दिवस के मौके पर बिहार की राजधानी पटना में राज्य के 38 जिलों के 1000 मेधावी छात्रों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया। बता दें कि छात्रों के द्वारा यह श्रृंखला पटना स्थित गांधी मैदान JP गोलंबर के पास बनाया गया था। मालूम हो कि इससे पहले बच्चों के द्वारा एक साइंस रैली भी निकाली गई थी, जिसमें सबों के द्वारा विज्ञान को अपनाना है, अंधविश्वास हटाना है के नारे लगाए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका आयोजन पटना के राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र और साइंस फॉर सोसाइटी के सहयोग से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नितिन नवीन मौजूद रहे। मालूम हो कि बीते दिन हुए इस मानव श्रृंखला के थीम स्वास्थ्य और पर्यावरण था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, रविशंकर, रंजीत सिंह, मृत्युंजय कुमार, प्रवीण कृष्णा, मोहम्मद सकीर हुसैन, पवन सिंह, राजकुमार ठाकुर, प्रहलाद कुमार, रंजीत मिश्रा, महमूद अंसारी, चंद्रादीप, पंचम वर्मा, भान प्रकाश मौर्य, रमेश यादव, कमलेश शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महागठबंधन सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट से आप कितने संतुष्ट हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।